हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर इंडियन रसोई पर। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे मशरूम मसाला करी बनाना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी सभी अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मशरूम मसाला करी बनाने के लिए कढ़ाई में ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के गर्म होने तक का वेट करेंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो हम इसमें तेज पत्ता ऐड करेंगे, दालचीनी ऐड करेंगे, एक काली इलायची ऐड करेंगे, एक चक्रफूल ऐड करेंगे। अब हम लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। इसको अच्छे से हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। हो चुका है, अब मैं इसमें टमाटर की प्यूरी ऐड कर दूंगी। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, मसाला ऐड करेंगे। मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। मैंने यहाँ पे काजू का पेस्ट बनाया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इससे हमारी ग्रेवी थोड़ी क्रीमी बनेगी, हमें बहुत ही टेस्टी लगेगी। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम थोड़ा कम ऐड करेंगे क्योंकि हमें इसकी ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी बनानी है। ऐड कर देंगे। उनको मैंने काट के अच्छे से धो के उनको बॉईल कर लिया था जिससे उनकी गंदगी सारी साफ हो। स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट के लिए हम अपनी सब्जी को ढक के छोड़ देंगे। सब्जी को हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड, सब्जी हमारी बनके तैयार हो चुकी है और अब मैं इसमें कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर दूंगी। गैस को हम ऑफ कर देंगे और इसमें कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। इसका टेस्ट एनहेंस करने के लिए मैं इसमें थोड़ा देसी घी ऐड करूंगी। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर ऐड कर सकते हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।